आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को कि जैसे यूथ है घर में बूढ़े बुजुर्ग है उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है? बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया और जब वो काम विशाल बन गया फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ ये देखो, ये क्या बेटा आपका ही है जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग जो किया वाह, फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते क्या नाथ पवन सुत कीन जो करनी, इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो भरनी, हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी।